जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम एड जी और इस वीडियो में थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ यूपीएससी प्री 2019 का जो लोग देने जा रहे हैं। एक महीना मान के चलिए आपका रह गया, तो एक महीने के अंदर आपको क्या चीज़ करनी है उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बताऊँगा। देखिए, जो लोग जानते हैं वो इस वीडियो को बिल्कुल भी मत देखिए, क्योंकि वो अपनी तैयारी में लगे रही जैसे आप करते हो। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, वो पूछते हैं कि थोड़ा सा कुछ मोटिवेशन मिल सके, इससे रिलेटेड चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, है ना। तो एक महीने के अंदर कुछ चीज़ें जो कर रहे थे आप वो छोड़ दीजिए बिल्कुल पूरी तरह से, और कुछ नई चीज़ें आप करने की कोशिश करिएगा। नई क्या होंगी, वो स्टडी से रिलेटेड ही होंगी, लेकिन वो आपको एक महीने के अंत में जो करनी होती हैं, जिससे आपका यूपीएससी प्री निकलने में थोड़ी सी आसानी हो। तो क्या क्या चीज़ आपको करनी है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे थे, तो कुछ लोग पूछते हैं कि आप छोड़ सकते हैं, कब तक का छोड़ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, 15 अप्रैल तक आप केवल करंट अफेयर्स पर ध्यान दीजिए बस, यानी कि जो 15 अप्रैल निकल चुका है उस तक। उसके बाद आप क्या कीजिए, करंट अफेयर्स को बिल्कुल छोड़ सकते हो। जो तुरंत का करंट अफेयर्स होता है डेली वाला, उसे आप छोड़ सकते हो बिल्कुल पूरी तरह से, है ना। क्योंकि पूरा का पूरा फोकस आप कहाँ लगाइए, पुराने पर। तो इस 1.5 महीने में आप करंट जो है न्यूज़पेपर आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं केवल संपादकीय पेज जो है पढ़ सकते हैं। 15-20 मिनट में आप संपादकीय पेज किसी भी न्यूज़पेपर का पढ़ लीजिए, जिससे थोड़ा सा दिमाग भी एक्टिवेट रहे। अगर नहीं भी पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं, उसे पढ़ के आप पूरी तरह से फोकस हो जाइए बिल्कुल, क्योंकि पेपर आपका बन चुका है यूपीएससी का। लगभग 1.5 से 2 महीने पहले पेपर बन जाता है, ये मान लीजिए 1.5 महीने पहले बन ही जाता है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है दो चीज़ें करनी है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, जो कि हैं, पहला आपको करंट अफेयर्स पर ध्यान दे देना है पूरी तरह से। जो एक महीना है आपको क्या कर लेना है, मैगजीन निकाल लेनी है अपनी पुरानी, जो भी क्रॉनिकल है, दृष्टि है या फिर विजन है, उनको रिवीजन कर लेना है सारी, जो है एक साल की जो मैगजीन्स हैं उनको, है ना। और पीटी 365 विजन आईएएस का जो आता है उसे भी आप ट्राई कर सकते हो, पढ़ सकते हो। लेकिन जिनके पास नहीं है, जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि पीटी 365 ही पढ़ा जाए तभी होगा। आप क्रॉनिकल निकालिए पुरानी जो भी है एक साल की, उसे रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए अच्छे ढंग से। और लगभग ये मान के चलिए, जो लोग जॉब नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो अपना लगभग 10 से 12 घंटे निकालने की कोशिश कीजिए अब, क्योंकि ये वक्त है कि यही समय है जो आपको एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं बढ़त दिला सकता है। क्योंकि यही समय है जो लोगों को क्या करेगा, डिमोटिवेट भी करेगा, और ये कुछ ऐसा समय है जो कुछ लोगों को मोटिवेट करके उन्हें उनके नंबर ऑटोमेटिक इंक्रीज कर देगा। तो आपको डिमोटिवेट तो होना ही नहीं है बिल्कुल भी किसी भी स्तर पर। तो पहला क्या है, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को क्या कर लेना है, आपको रिवीजन कर लेना है पूरे महीने, आपको केवल यही करना है करंट अफेयर्स। दूसरा पॉइंट जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जैसे बोला जाए, वो क्या हो सकता है, वो है आपका, एक मिनट, वो है आपकी टेस्ट सीरीज, है ना। तो कुछ लोग टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे, मुझे लग रहा है, उम्मीद है कि सभी लोग लगा रहे होंगे लगभग जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिन्हें निकालना है ना। टेस्ट सीरीज से होगा क्या, टेस्ट सीरीज से जरूरी नहीं कि आपका हो ही जाए, या फिर जो लोग नहीं लगा रहे हैं तो जरूरी उनको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं कि ये लगाएंगे तभी होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इससे होगा ये कि आप जो डिस्क्रिप्शन जो होता है टेस्ट सीरीज वगैरह का, वो यदि पढ़ लेंगे तो आपका बेसिक जो होगा वो थोड़ा सा बीच बीच में से क्लियर होता जाएगा। और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो आपको करनी है कि बेसिक जो भी आप पढ़ रहे थे अब तक, जो भी बेसिक हिस्ट्री पॉलिटिक्स ज्योग्राफी, उसे बिल्कुल छोड़ दीजिए, पूरी तरह से छोड़ दीजिए। जो करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हो मैगजीन में रिवीजन करेंगे, तो उसमें से बीच बीच में देख लीजिएगा कोई हिस्ट्री से संबंधित, पॉलिटिक्स से संबंधित कोई आ जाए टर्म्स, तो उसे आप देख सकते हो, वहाँ से देख सकते हो, पर्यावरण से संबंधित। और चौथा जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो है पर्यावरण। पर्यावरण आपको अच्छे से कवर कर लेना है, एक बार चाहे तो आप रिवाइज भी कर लीजिए। तो ये तीन चार चीज़ों पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण फोकस करना है आपको। और पांचवा जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो होगी ट्रिक्स। यूपीएससी प्री के जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन हैं उनमें कुछ ट्रिक्स काम करती हैं। जो पुराने वीडियो हैं मेरे, कुछ लोग वो देखा होगा तो उन्हें पता होगा, कुछ लोग लाभ भी उठाया उन्होंने, लेकिन वो वीडियो मैंने बाद में उठा दिया था। तो एक वीडियो में नया बनाऊँगा अभी पूरी तरह से, आपको लगभग एग्ज़ाम से 15 दिन पहले वो आ ही जाएगा ये मान के चलिए, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में फिर वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएगा, तो इस वजह से मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ, है ना। ट्रिक्स, तो ट्रिक्स से संबंधित एक वीडियो का क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपकी एंड में स्क्रीन पर आ जाएगा, उसे देख लीजिए, जिसमें मैंने बताया कितने अटेम्प्ट करने चाहिए,
क्वेश्चन जो है कितने अटेम्प्ट करने चाहिए जिससे आपको आसानी हो थोड़ा सा नंबर इंक्रीज करने में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं एक तरह से तैयारी जरूर कर रहे हैं, पढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन कुछ थोड़ी सी टेक्निक हैं छोटी छोटी सी जिन पर ध्यान देंगे तो आपके नंबर इंक्रीज होंगे और कहीं ना कहीं आपको मेरिट लिस्ट में ऊपर लेकर आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह से सिलेक्शन दिला देंगे या कुछ ऐसा हो जाएगा, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ अगर ये ट्रिक्स आपने ध्यान से आप पढ़ रहे होंगे, यानी कि आप अच्छे से फोकस करके पढ़ रहे होंगे और ये ट्रिक्स आपने थोड़ी सी ध्यान से कर ली, तो लगभग 20 क्वेश्चन तक मैं गारंटी देता हूँ आपके बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस हो जाएंगे। ये मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, जिन लोगों का एक तरह से फीडबैक आ रहा है उनसे पता पड़ा है और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो है ही है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो और बाकी का डिमोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो भी आप तैयारी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसे परफेक्ट मानिए कहीं ना कहीं, क्योंकि यूपीएससी एक तरह से सागर है मान लीजिए, है ना। यहाँ पर कोई चीज़ निश्चित नहीं है क्या आने वाला है और किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, पिछले साल पेपर कैसा आया था, इस साल क्या आएगा, टफ रहेगा या फिर क्या रहेगा। आपको जितना आप कर सकते हो बस उतनी मेहनत करिए, आप 10 से 12 घंटे निकालने की कोशिश कीजिए इस बीच में, जिससे आपके नंबर इंक्रीज होंगे पक्का। जो क्योंकि जो लास्ट टाइम पर पढ़ा हुआ होता है वो कभी भी भूलते नहीं हैं हम लोग, कहीं ना कहीं दिमाग में एकदम कॉन्शियसली चलता रहता है अनकॉन्शियसली, और वहाँ पर जाकर टिक लग जाते हैं। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करें प्री की, और इस वीडियो को कर दें लाइक शेयर, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।